प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पीजीटी बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं। पीजीटी बायोलॉजी में आज 9th नंबर का प्रैक्टिस पेपर है, जो डेली बेस पे आपका प्रैक्टिस पेपर कराया जाता है। तो आज के प्रैक्टिस पेपर में हम क्वेश्चन नंबर 98 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पैरामीसियम इज, कह रहा पैरामीसियम है, क्या है? एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक आर नन ऑफ दीज। तो आप बताएंगे पैरामीसियम क्या है? अमीनोटेलिक है। पैरामीसियम क्या है? अमीनोटेलिक उत्सर्जन करता है। जो जंतु, यहाँ पर अगर देखें, वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। जैसे कि एम्फीबियन, यानी वयस्क एम्फीबियन मतलब जो एडल्ट एम्फीबिया है, कार्टिलेजनस फिशेज, ठीक है, जितने कार्टिलेजनस फिश होती हैं, और स्तनधारी वर्ग, ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये सब उत्सर्जन किसका करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। जबकि प्रश्न में क्या पूछा गया था? पैरामीसियम के बारे में। तो पैरामीसियम क्या है? अमीनोटेलिक एनिमल होता है। आगे बढ़ जाते हैं। वे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, किसका? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। ये इसमें कौन आते हैं? छिपकलियाँ आती हैं, सांप आते हैं, और कौन आते हैं? पक्षी वर्ग आते हैं। तो यूरिकोटेलिक में कौन कौन आते हैं? छिपकली, सांप और पक्षी। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। कंजुगेशन इन पैरामीसियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीसियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? आपको बताना है। पैरामीसियम में कंजुगेशन, संयुग्मन में, पैरामीसियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? तो आप कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियाई का। किसका? लघु केंद्रिका का होता है। किसका होता है? लघु केंद्रिका का होता है। टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया 2010 में। पैरामीसियम में संयुग्मन में लघु केंद्रिका यानी माइक्रोन्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है। पैरामीसियम में सेक्सुअल क्रियाविधि को संयुग्मन यानी कंजुगेशन कहते हैं। हालांकि इसे बारंबार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन यह साधारण एक अस्थायी रूप से, साधारण एक अस्थायी रूप से दो इंडिविजुअल मतलब दो अलग अलग जीवों के बीच का, एक ही जात के जीव हैं यानी दोनों पैरामीसियम के बीच का क्या साथ में जुड़ने का उद्देश्य माइक्रोन्यूक्लियाई या माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान होता है। इन पैरामीसियम द फिनोमेना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ, कह रहा है साइक्लोसिस, पैरामीसियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। किससे होता है? ये आपको बताना है, ठीक है। किससे होता है तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो आप कहेंगे किससे होता है? एक्सक्रीशन होता है, लोकोमोशन होता है, डाइजेशन होता है, या पुनरुत्पादन होता है। जो आपका सही आंसर है वो क्या है? डाइजेशन है। क्या है? डाइजेशन है। आगे बढ़ जाएं। पैरामीसियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध पाचन से होता है। अमीबा की भांति पैरामीसियम पूर्ण भोजी या जंतु संभोजी होता है। भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा यह जीवाणुओं, सूक्ष्म कार्बनिक कणों तथा का अंतर्ग्रहण करके खाद्य धमनियों का पता इन्हें पचाता है। पाचन के समय खाद्य धमनियाँ अंदर गोल आकृति में घड़ी की दिशा में घूमती हैं, जिससे भोजन का पाचन संपन्न होता है। इसे साइक्लोसिस कहते हैं। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य धानी का कोशिका गुदा एक निर्दिष्ट स्थान से बहिष्कृत कर देता है। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट के कार्य के बारे में आपको बताना है। तो ट्राइकोसिस्ट का कार्य होता है ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। ऑफेंस एंड डिफेंस का कार्य करता है, बचाव और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। आगे बढ़ जाएंगे। ट्राइकोसिस्ट एक विचित्र प्रकार की राड के आकार की संरचना होती है, जो पैरामीसियम में पाई जाती है। ये एक्टोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इन्हें इसे सर्वप्रथम इल ने पैरामीसियम में देखा था। इनका मुख्य कार्य पता नहीं है, पर इनके मुख्य कार्य के बारे में पता नहीं है, पर माना जाता है कि ये पैरामीसियम में सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसके अतिरिक्त बचाव और शिकार पकड़ने में भी सहायक होते हैं। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, कह रहा है सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित है? तो सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित है? पैरामीसियम पे संबंधित है। किससे संबंधित है? पैरामीसियम से संबंधित है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ईवीएस की क्लास दी जा रही है, यानी एनवायरमेंट की क्लास आपकी चल रही है, जो आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लासेस आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई जा रही हैं। अगर आप इस क्लास का आनंद लेना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। एक वीडियो हुआ है, दूसरा वीडियो कल से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। और साथ में यूपी हिंदी के लिए यूपी टेट हिंदी के लिए आपका प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर दिया गया। तो प्रैक्टिस पेपर जरूर आप करते रहें। इस प्रैक्टिस पेपर से आने वाले सभी प्रश्न यानी 30 में 30 प्रश्न आपको पक्का मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा भी है और विश्वास भी है। तो जरूर ये दो कार्य आप करते रहिए। ईवीएस के लिए और हिंदी के लिए आप चैनल से संपर्क करिए। हमारे दूसरे चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, बायो एग्जाम पॉइंट पे दूसरे चैनल पे साइंस की पूरी क्लास टेट के लिए चलाई जाएगी। सीक्वेंस से पूरा क्लास आपका चलाया जाएगा, लेकिन अभी उसका पैटर्न क्लियर नहीं हो पाएगा। पैटर्न क्लियर होने के बाद हम आपको बता देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम नज़र रखें तो अपने इस चैनल पे हमारे लिए अलग अलग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। टेट पे आपको फोकस करना चाहिए, इसलिए फोकस करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर में यानी 2021 में आपको लगभग 50,000 पदों पे वैकेंसी मिलने वाली है। जो मेरे मित्र यहाँ पे किसी कारण से, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जिसमें से दोनों लोग में किसी भी कारण से वो निराश रह गए, इस बार 69,000 वैकेंसी उन्हें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो निराश ना हो। आने वाला भविष्य आपका ब्राइट है और आपको बहुत अच्छी तरह से जॉब उसमें मिलेगी 50,000 की वैकेंसी में। जो थोड़ी बहुत मदद हम आपके लिए कर सकते हैं, हम जरूर प्रयास कर रहे हैं। हम आपके लिए ईवीएस यानी इन्वायरमेंट का पूरा सेक्शन, और हमारा प्रयास है 30 में 30 क्वेश्चन हमारे इसी सेगमेंट से, जो हम लगभग इस 70 दिन में जो हम क्लास करने वाले 50-60 दिन में, वही 50-60 क्लास में सारी चीज़ें मिल जाएँ। और लगभग 600 से 700 प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारा उसी में से 30 नंबर आपका पर्यावरण का कहीं ना जाए। पर्यावरण में 30 नंबर और हिंदी में 30 नंबर, ये 60 नंबर में हम आपकी गारंटी लेते हैं कि 1-2 नंबर भले कट जाए, वरना 60 में 60 नंबर आप बड़े आराम से पा सकते हैं। और साइंस जिन लोगों को जूनियर में देना है, जूनियर का अगर देंगे तो साइंस का और हिंदी का और पर्यावरण का, यानी 390 नंबर का क्वेश्चन वो मान के चलें कि उनका बड़े आसानी से यहाँ से कवर किया जा सकता है। फंसता मामला सबसे ज़्यादा मैथ का, और उसका तो उसके हमारे पास फैकल्टी भी नहीं है और वो चल भी नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में आप कहीं और से स्टडी कर लें। लेकिन 3 चीज़ें बेहतर तरीके से बेहतर आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी बताएं कि क्लासेस चल रही हैं। तो पर्यावरण की क्लास आप ज़रूर देखिएगा, कैसा रहेगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव का और आपकी सलाह का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, माफ़ करिएगा थोड़ा सा, हाँ क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सिल्वर लाइन सिस्टम पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, कह रहा है सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित है, तो सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित है, पैरामीशियम से संबंधित है। या इसका न्यूरोमोटर होता है, क्या होता है, न्यूरोमोटर होता है जो इसमें पाया जाता है। ठीक है, रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कि पैरामीशियम में संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट, कह रहा है कि युग्मनज केंद्रक प्रत्येक कंजुगेंट में 8 क्रमवार विभाजन करता है। आउट ऑफ 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डिजेनरेटेड, तो यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो देखिए आपका सही कौन है, यहाँ पे आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डिजेनरेटेड, बनने वाले 4 लव केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। सत्य कथन क्या है, पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में बनने वाले 4 लव केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। प्रत्येक संयुग्मन में जाइगोट न्यूक्लियस केंद्रक में 3 बार सूत्री विभाजन होता है और शीघ्र क्रमशः 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें से 4 बड़ी संरचना को माइक्रोन्यूक्लियाई और दूसरे 4 को माइक्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। 3 माइक्रोन्यूक्लियाई नष्ट और विलुप्त हो जाते हैं। मोड ऑफ फूड इंटेक इन पैरामीशियम इज, कह रहा पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली चलन है, तो कौन से प्रणाली है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में आहार लेने की जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली, होलोजोइक है। कौन सी है, होलोजोइक है। जब जंतु अपने पोषण के लिए पौधों व जंतुओं दोनों को ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार के पोषण को होलोजोइक या प्राणी सदृश प्रकार का पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण विधि पैरामीशियम में पाई जाती है। सेप्रोजोइक के अंतर्गत अनेक जीवाणु और कवक भी आते हैं। वे पौधे तथा जंतुओं के मृतक शरीर और उनके मल मूत्र का विच्छेदन करके उन्हें यौगिक तत्व में बदलते हैं। इस प्रकार के प्रकृति में कूड़ा करकट के ढेरों तथा लाशों डेड बॉडीज की सफाई करते हैं। सिरका, दही, पनीर आदि मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एम्फीऑक्सस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व, कह रहा एम्फीऑक्सस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू डाटर मेगा न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल, फ्यूजन ऑफ टू डाटर माइक्रो न्यूक्लियाई इन सेम इंडिविजुअल, फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस विथ मेल प्रो न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस, आपका आंसर ये सही, फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस विथ फीमेल प्रो न्यूक्लियस टू डिफरेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस विथ फीमेल प्रो न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम, एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस विथ फीमेल प्रो न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज आर कैपेबल फॉर एम्फीमिक्सिस, ओनली मेगा न्यूक्लियाई माइक्रो न्यूक्लियाई एंड मेगा मेल प्रो न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर नॉट कैपेबल फॉर एम्फीमिक्सिस। आगे बढ़ जाएं, हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई अकर इन, हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई अकर इन विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? मसल सेल में, पेशी कोशिकाओं में, ह्यूमन जर्म सेल में, मानव जनन कोशिका में, न्यूरॉन्स में और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स यानी प्रच्छाभी प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम चप्पल जंतुक एक प्रच्छाभी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, लव केंद्रक और गुण केंद्रक, इसलिए विषम रूपी केंद्रक जंतु कहलाते हैं। कौन सा? सिलिएटेड प्रोटोजोआ, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रच्छामी प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है। Which of the following helps in? Which of the following help in encourage and defense of paramecium? कह रहा है निम्न में से कौन ऐसा है जो इसमें डिफेंस सिस्टम का काम करता है। तो मैंने ऊपर आपको बताया था ट्राइकोसिस्ट जो होता है एक किसका काम करता है, इसमें सुरक्षा का कार्य करता है। इंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमेना रिलेटेड टू, कह रहा इंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम में इंडोमिक्सिस एक क्रियाविद होती है। किससे संबंधित क्रियाविद होती है? तो आप बताएंगे रिप्रोडक्शन से संबंधित क्रियाविद होती है। आगे बढ़ जाए, साइटोपेज इज फाउंड इन, साइटोपेज किसमें पाया जाता है? तो आप जानते हैं साइटोपेज किसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस में 3-4 बार आया था, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा? पैरामीशियम होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, साइटोपेज फाउंड इन पैरामीशियम ऑफ क्लास सिलेटा द अनडाइजेस्टेड रेजिडुअल मैटर ऑफ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनल स्पॉट आर साइटोपेज पोस्टीरियर एंड साइटोस्टोम्स, इट इज आल्सो नोन एज साइटोप्रोक्ट। Some individual of paramecium have special granules called kappa particles in the cytoplasm which produce a toxin known as, कह रहा है कि सभी कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं पैरामीशियम के जिसपे कप्पा पार्टिकल पाए जाते हैं। तो ये किसका काम करते हैं और ये कौन सा विषैला पदार्थ निकालते हैं? तो पैरामीसिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पैरामीसिन नामक टॉक्सिक सब्सटेंस निकालते हैं। अगला है आपका इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में both contractile vacuoles work at same rate, anterior work faster than posterior या posterior work faster than anterior, तो आपका C वाला सही है, posterior work faster than the anterior, ठीक है। आगे बढ़ जाए, conjugation help in the paramecium, इन पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? all of the above, सभी की सहायता करता है। किसका? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? पैरामीशियम सीलोफोरा उपसंघ का जंतु है। इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन स्ट्रेसफुल दशाओं में होता है, स्ट्रेसफुल दशाओं में होता है। यह संयुग्मन के तहत होता है। दो पैरामीशियम संयुग्मित होकर कंजुगेटेड ब्रिज का निर्माण करते हैं, ठीक है। पैरामीशियम में संयुग्मन क्रिया सहायता करता है। पुनर्वयन उच्च श्रेणी का होता है। अलग अलग पैरामीशियम में डीएनए मिलने से नए लक्षणों का विकास होता है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आज का प्रैक्टिस पेपर आपका जो भी रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम यानी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में, और एक वीडियो में सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब प्रोटोजोआ हमारा ख़त्म होगा। हम लोग इंटर करेंगे किस में? पोरीफेरा में। एक एक सेगमेंट को ऐसे करते चलेंगे। बहुत जल्दी आपकी क्लास का सीक्वेंस मैं बता दूं। क्लास का सीक्वेंस आपका होगा कहाँ से? सबसे पहले हम लोग सेल को डिस्कस करने वाले, फिर हम लोग टिश्यू पढ़ने वाले, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों पढ़ने वाले। फिर डायरेक्ट घुस जाएंगे किस में, आर्गन सिस्टम में। आर्गन सिस्टम में किसके पढ़ेंगे, पहले प्लांट एनिमल का पढ़ेंगे, पूरे आर्गन सिस्टम एनिमल का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा आर्गन सिस्टम प्लांट का पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ने के बाद, दोनों आर्गन सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे पूरा क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रैक्टिस पेपर आपका सीक्वेंस वाइज सीरीज से चल रहा है, शुरू से चल रहा है, लेकिन हम लोग उधर से इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए आएंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास का रूल रेगुलेशन थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा, जैसे सेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस पेपर करते रहिए, ज़रूर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्रम आगे बढ़ रहा है, आप सबके दुआओं और आप सबके आशीर्वाद से सारी चीज़ें एक दिन बेहतर होती चली जा रही हैं। सब कुछ एक दिन बेहतर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।